गया है। एक्टिव केसेस शहर में अब 70,000 के पास जा रहे हैं और एक्टिव जो सील्ड बिल्डिंग्स हैं वो भी 700 पहुंच गई हैं। ऐसे में हालांकि एक तरफ तो सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर फिर भी डराती है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। देश भर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर दिल्ली की। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि मंडी में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम कोरोना के दौरान होना चाहिए वो सब कुछ बेपरवाह होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, उन सब को पूरी तरह से भूल करके अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है जिसके कारण देश भर के अंदर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, कोरोना चल रहा है, मास्क कहाँ है आपका? मेरी सॉरी, गलती हो गई। आपकी इस गलती से तो पूरे लोगों के लिए भूल गया सर। मास्क जरूरी है जी? हाँ। पहना क्यों नहीं? बस भूल गया, एक मिनट के लिए लगा हुआ था मेरे, लेकिन मैं भूल गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, ये बताइए मास्क कहाँ है? ये देखिए आप देख सकते हैं कि लोग बाग बेफिक्र हो चुके हैं मंडियों में, उसी तरीके की स्थिति है। और ये स्थिति तमाम एरियाज के अंदर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नजर आ रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी आंकड़ा कल की अगर बात करें तो 4,000 के पार पहुंच गया और सोशल डिस्टेंस जो 2 गज की दूरी जो है वो होनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वही गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में करीब 3,000 के आसपास कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में और ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं ये कतार लगी हुई है कोरोना की टेस्टिंग के लिए। दरअसल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए जो कोरोना टेस्टिंग की जाती है वहाँ पे सुबह से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुँचते हैं। लेकिन जब अभी टेस्टिंग शुरू भी नहीं हुई उससे पहले आप देख सकते हैं कोरोना की टेस्टिंग के लिए कुछ इसी तरीके से लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है ताकि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा पाए। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जैसे जो बड़े शहर है, इसके अलावा जो छोटे शहर है वहाँ पे भी अब कोरोना संक्रमितों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। वैसे में सरकार बार बार लोगों को ये कह रही है, अपील भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन के लोगों डोज ले, वैक्सीन